बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज, डिफरेंशिएट बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच. ठीक है, तो चलिए की कॉन्सेप्ट को समझते हैं. द की कॉन्सेप्ट इज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट. ठीक है, ये दोनों ही यूज टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, दे आर बोथ यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो चलिए देखते हैं द डिफरेंस. अगर दोनों ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में हेल्प करता है, तो उनका डिफरेंस क्या है? इन दिस इनफेक्ट पेंट, इनका डिफरेंस देख लेते हैं. पहला, चलिए पहला है एप्लीकेशन. ठीक है, सो इट एंटीसेप्टिक इज यूज्ड इन लिविंग टिश्यूज. डिसइंफेक्टेंट इज यूज ऑन इन एनी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, मतलब जैसे कि ऑन सरफेसेस. मतलब ये लिविंग टिश्यू में नहीं यूज किया जाता है, सरफेसेस और इक्विपमेंट्स इधर. ठीक है, अब क्या करते हैं? स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ इज एंटीसेप्टिक इज लेस पोटेंट. डिसइंफेक्टेंट इज मोर पोटेंट, मतलब मोर पावरफुल. दैट्स व्हाई इट इज नॉट यूज्ड इन लिविंग टिश्यूज. एंड देन फाइनल द पर्पस. पर्पस इज बेसिक. एंटीसेप्टिक इज यूज टू प्रिवेंट और रिड्यूस इन्फेक्शन, और डिसइंफेक्टेंट इज यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन इन प्रेजेंट ऑन सरफेसेस. ठीक है, एंटीसेप्टिक क्या करता है? टू प्रिवेंट और रिड्यूस इन्फेक्शन कॉज्ड बाय एंटी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन लिविंग टिश्यूज. एंड डिसइंफेक्टेंट इज यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन सर्फेसेस. ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल. तो इधर हो जाएगा सैनिटाइजर कंटेनिंग एल्कोहल, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ब्लीच. सॉल्यूशंस. ठीक है, होप आपको डिफरेंस समझ में आई हो, कोई दिक्कत ना आए. होप यू हैव अंडरस्टूड. बेस्ट ऑफ लक.